स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम दृष्टि IAS का 68 BPSC PT के लिए आज हम पॉलिटी के लिए सेक्शनल टेस्ट लेकर के आए हैं। और ये जो सेक्शनल टेस्ट है पॉलिटी का, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे मैंने जो साइंस का करवाया है वो हो, ये सारा जो है वो टेस्ट आपका हर एग्ज़ाम में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि सर दृष्टि IAS का पॉलिटी का करवा दीजिए सर, 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवा रहा हूँ पूरा एक टेस्ट। तो अब तक मैंने हिस्ट्री का बिहार रिलेटेड और साइंस का, दृष्टि का मैंने कम्प्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ दृष्टि IAS का BPSC के लिए पॉलिटी साइंस का जो है आज हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे। और ये पार्ट 1 है जिसमें से 1 से लेके 75 तक का क्वेश्चन करवाएंगे। और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है दृष्टि IAS का। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसका टेस्ट सीरीज़ प्रेफर करते हैं, हिंदी मीडियम वाले छात्र। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं और जिसका जो ज़रूरी होगा उसका हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि दृष्टि का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एक टेस्ट में करीब 40 पेज हो जाते हैं एक्सप्लेनेशन। और वो अगर सारा कुछ एक्सप्लेन हम करते रहें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आइए, बोला संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52वां संशोधन अधिनियम के द्वारा। और ये जो पारित हुआ था 1985 में, तो जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था वो 1985 में बना था। इसके अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा, पूछ सकता है कि यह कानून कब से लागू हुआ। तो अगर लागू पूछेगा तो यह कानून 1 मार्च 1985 से लागू हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे में, बोला वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। तो अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व किया था वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए 2 सितंबर 1946 को गठित भारत का अंतरिम सरकार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। और यह भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा कैबिनेट था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों केंद्र में साझेदार थे। तीसरा में आइए, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। तो तीसरा का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार को। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देने की बात है कि संविधान में निम्नलिखित 3 तरीकों से आवश्यक संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं। पहला है आपका संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत, ठीक है, संशोधन। तो यहाँ पर है कि केवल है यहाँ पर विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित, तो विशेष बहुमत के माध्यम से आपको मौलिक अधिकार को विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। और एक चीज़ और याद रख लें आप लोग कि देखिए मौलिक अधिकार राज्य के नीति निदेशक तत्व और अन्य सभी प्रावधान जो पहली साधारण बहुमत और तीसरी साधारण बहुमत प्लस राज्य विधानमंडलों की संस्तुति श्रेणियों द्वारा कवर नहीं किए जा सकते हैं, उन सभी को विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किए जाते हैं। और यहाँ पे है जो राजभाषा और 5वीं अनुसूची, ये जो है आपका याद रख लेंगे, राजभाषा निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन और 5वीं अनुसूची, ये सभी जो है ये साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं। केवल मौलिक अधिकार इसमें जो है वो विशेष बहुमत से संशोधन किए जाते हैं। नेक्स्ट है ये चौथे नंबर में, बोला किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसको जो है भाग 4A में शामिल किया गया है। और वर्तमान में हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के उत्सादन या सृजन की शक्ति है,
यानी बोल रहा है कि किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन और समाप्त करने की शक्ति है। तो यहाँ पे याद रख लें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के पास। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन यानी कि समाप्ति के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विशेष बहुमत से पारित किया हो। नेक्स्ट आइए छठा नंबर में, सिक्स नंबर यहाँ पे बोल रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयराम दास दौलत राम। और इनका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में, सातवां नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्युदंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है। तो इसका याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सातवां का हो जाएगा ऑप्शन ए, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। ठीक है, ये हीरो वाला शत्रुघ्न सिन्हा मत समझ लीजिएगा, ये दूसरे हैं, शत्रुघ्न चौहान है यहाँ पे बनाम भारत संघ। ठीक है, और ये केस जो है ये 2014 का है। नेक्स्ट आइए आठवां नंबर में, बोला प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, और ये जो निर्णय लिया गया था ये संविधान संशोधन 91 जो संशोधन था अधिनियम 2003 के द्वारा अनुच्छेद 1A के अंतर स्थापित ये किया गया है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये केमा संविधान संशोधन था, तो ये 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत लागू किया गया। नाइन नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो नाइन का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी इसमें सभी जो है वो शामिल है। नेक्स्ट आइए दसवां नंबर में, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 243। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, 11 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। यहाँ पे बोल रहा नहीं कर सकता है, तो इसका कौन, तो देखिए राज्यसभा अध्यक्ष, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति ये जो दोनों है ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, यानी ए और बी जो है ये दोनों नहीं करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष कर सकता है। तो सी और डी करता है लेकिन ए और बी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इस वजह से ए और बी जो है ये नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो 12 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाता है। 13 नंबर में आइए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे 13 में देख लेते हैं, कैग के संबंध में, ठीक है। तो बोरा कैग का पद उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत है, भाग 6 के अंतर्गत नहीं, ये भाग 5 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। दूसरा, ये संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 कैग से संबंधित प्रावधान करते हैं, बी जो है सही है। नेक्स्ट आइए, कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है, सही है। डी नंबर में आइए, वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षता कर्मशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है, ये जो गलत है, ये कर्मशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ए और डी जो है, ए और डी गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक इसमें गलत है।
14 नंबर में आइए, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में जो है वो संजय करोल हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है? तो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें ऑप्शन ए जो है केवल वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है जबकि विदेशियों के लिए नहीं उपलब्ध है, जबकि विधि की समक्ष समानता दोनों के लिए है, जीवन स्वतंत्रता का संरक्षण दोनों के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अस्पृश्यता का अंत भी दोनों के लिए है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में आइए, पुराकी समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, नेक्स्ट आइए 17 नंबर में, बुरा भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो जो कि आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड जो लिया गया है वो स्पेन से लिया है राज्य का नीति निदेशक तत्व, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, बुरा नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट आइए 19 नंबर में, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? ठीक है, तो 19 का यहाँ पे याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निहित होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। एक चीज़ इसमें और याद कर लें कि न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं देती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। नेक्स्ट आइए 21 नंबर, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? तो ये आप सभी जानते हैं कि मूल कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति अनुशंसा का परिणाम है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लीजिएगा कि मूल कर्तव्य जो है वो वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मूल कर्तव्य के संबंध में अनुशंसा के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, जिसकी आवश्यकता देश में आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 के प्रवर्तन के दौरान महसूस की गई थी। ठीक है, और एक चीज़ और याद कर लें कि 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू किया गया और इसके माध्यम से मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया आर्टिकल 51A के तहत। ठीक है, और इसमें जो मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य की घोषणा की गई थी, बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसमें एक और मूल कर्तव्य यानी कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये सभी जो है आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, हो रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 5 प्रकार के स्वतंत्रताओं का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में, संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? ठीक है, तो 23 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 15। संविधान का भाग 15 जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक देश में चुनाव प्रणाली के संबंध में आवश्यक प्रावधान करता है। नेक्स्ट आइए 124 नंबर, बोरा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, तो यहाँ पे 24 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, उसी दिन जो है वो सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि संविधान में बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, केवल वार्षिक वित्तीय विवरण एक जगह प्रयोग किया गया है जो कि अनुच्छेद आपका 112 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में,
निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता करता है? देखिए, अगर क्षेत्रीय परिषद बोलेगा तो गृह मंत्री, और अगर अंतर्राज्यीय परिषद बोलेगा तो प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद जो है यह एक संवैधानिक निकाय होता है। सरकारी आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति आदेश 1990 द्वारा अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के आधार पर इसकी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 26 में, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आइए 27 में, 27 बोला संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं? तो 27 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये जो है केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व है, यानी कि यहाँ पे ये अनुच्छेद 51 में ये शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी केवल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर में, बोरा भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत में पराजित हुए थे? तो 28 का यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, क्यों? क्योंकि देखिए मोरारजी देसाई को छोड़ करके विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनको जो था 1990 में अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हो गए थे 1990 में, HD देवगौड़ा 1997 में, और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो 1999 में अविश्वास प्रस्ताव में पराजित हुए थे। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि बी सी और डी। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, बोरा भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका हो? तो 29 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूनतम जो है वो 35 वर्ष पूरा करना होना चाहिए। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, बोरा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है बोल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं, इसे आयरलैंड की संविधान से लिया गया सही है, इस प्रावधानों को उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया। ठीक है, तो भाग 4 में सही किया गया है, ये भी सही है। निदेशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित है लेकिन देश के शासन में मूलभूत है, ये भी सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी बोल रहा है कि राज्य के निधि निदेशक तत्व ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, ये गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है मौलिक अधिकार और DPSP में, तो याद रखिएगा कि अगर राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो रहेगा तो राज्य पर वो सकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, अगर मौलिक अधिकार रहेगा तो वो राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि राज्य का जो नीति निदेशक तत्व होता है वो राज्य पर सकारात्मक दबाव आरोपित करता है, और मौलिक अधिकार जो होता है वो राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करता है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, 31 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट का अर्थ प्राधिकृत या वारंट द्वारा होता है? तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकार पृच्छा का अर्थ होता है प्राधिकृत या वारंट। वहीं बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है को प्रस्तुत किया जाए, परमादेश का होता है हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, अधिकार पृच्छा यानी कि प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, और उत्प्रेषण होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, बोरा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद या अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों से संबंधित है? तो 32 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 6वीं अनुसूची। ठीक है, देखिए 6वीं अनुसूची जो है वो जनजातीय समुदायों को पर्याप्त स्वायत्ता प्रदान करती है, जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो है वो 6वीं अनुसूची के तहत ही स्वायत्त क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में, किसकी अनुशंसा पर धन विधेयक मनी बिल लोकसभा में पेश किया जाता है? तो 33 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 110 के द्वारा धन विधेयक को ऐसे प्रारूपिक विधि रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ऐसे उपबंध शामिल हैं जो अनुच्छेद में सूचीबद्ध सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित हो, यानी कि एक धन विधेयक होगा केवल जब कराधान या सरकार द्वारा धन उधार लेने या भारत की संचित निधि से धन निकालने या जमा करने से संबंधित उपबंध शामिल हो।
अनुशंसा पर तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय केवल लोकसभा अध्यक्ष लेगा। नेक्स्ट है 34 नंबर में, संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 34 का यहाँ पे बोल रहा है कि कौन से सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि कौन से इसमें सही है। तो सबसे पहला, ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है, सही है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती, सही है। इस सत्र का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है, सही है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होगा, ये भी सही है। यानी कि इसमें सभी ऑप्शन जो है सही है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संसद की नियम प्रक्रिया में नहीं है। तो ये आप लोग अब लगभग सभी समझ गए होंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्यकाल का जो है वो संसद की नियम प्रक्रिया में शामिल नहीं है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, 36 बोल रहा है कि भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों में जोड़ा गया। तो 36 का यहाँ पे नोट कर ले, ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, 37 बोल रहा है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 123, ठीक है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, बोरा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगी। तो 38 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सलाह एवं परामर्श देगी तथा इसी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य कर सकता है, ठीक है। तथापि यद्यपि राष्ट्रपति चाहे तो वह एक बार मंत्रिपरिषद से इस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजने पर राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। नेक्स्ट है 39 नंबर में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं अन्य कानूनी संरक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चलिए ये आप बताइए 39 नंबर, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे लोग, करीब 99% लोग इसमें गलत करेंगे। आप लोग इसका आंसर सोचिए मन में कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण से उपाय संबंधित मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को इसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये कौन सा निकाय होता है, आप लोग सोच लिए होंगे, आंसर देख ले। ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग 99% लोग इसका क्वेश्चन जो है वो गलत करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए 39 का इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है यही जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण उपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और इसकी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका सही आंसर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होगा, ना कि जनजाति, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। 40 नंबर में आइए, बुरा भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल का रूप, ठीक है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्यों में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर ले, 3 प्रकार से जो है वो राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जा सकता है। पहला जो है, या तो लोकसभा चुनावों में कुल लोकसभा सीटों की 2%, यानी कि 11 सीटों पर जीत हासिल की हो तथा ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्य से आई हों, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। या अथवा दूसरा जो है, लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनावों में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करें
इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करे, अथवा यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त होगी। नेक्स्ट है 41 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने पहली बार वर्ष 1889 में 1889 में एक राजनीतिक इकाई के रूप में बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापना करने की आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से सही नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि सही नहीं है, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर हो जाएगा, सही नहीं है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 42 का बी, वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। ये जो है गलत है, क्योंकि महान्यायवादी जो होता है वो केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो केवल गलत है, बाकी सभी ऑप्शन जो है इसमें वो सही है। नेक्स्ट आइए 43 में, पूरा भारतीय संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में 294 है, आंध्र प्रदेश का बात करें तो इसमें 175 है, वहीं अगर मध्य प्रदेश का बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 है, और बिहार का बात करें तो इसमें 243 है। तो यहाँ पर बोला सर्वाधिक किस में है, तो यहाँ पर देखिए 294 ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट ये 45 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है। राज्य में बोल रहा है कि कार्यपालिका का भाग नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कार्यपालिका का भाग नहीं होता है। 46 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला मुख्यमंत्री था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, और श्री कृष्ण सिंह को श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री 1946 से लेकर 1961 तक ये बने रहे थे। नेक्स्ट है 48 नंबर में, केंद्रीय सूचना आयोग CIC अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका सही आंसर देंगे। चलिए इसका आंसर आप लोग सोच लें कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो इसका आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्मिक मंत्रालय केंद्र सरकार को जो है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और उसके बाद जो केंद्र सरकार है वो इसकी रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखता है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में, बिहार लोक सेवा आयोग अस्तित्व में कब आया। आप लोग BPSC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले याद रख लें कि जो बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो भारत के संविधान के द्वारा बनाया गया एक निकाय है, जो कि अनुच्छेद 315 के तहत बनाया गया है, ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए आयोग से अलग होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और इसकी संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की घोषणा के साथ स्पष्ट की गई, ठीक है। पहले जो BPSC था, पहले रांची से चलता था, उसके बाद इसको 1951 में इसको पटना में स्थानांतरित कर दिया गया, और याद रखिएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो श्री राजेंद्र सिन्हा थे, ठीक है, और BPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 50 में,
50 बुरा निम्नलिखित गणमान्य पद धारकों में से कौन वरीयता के क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है? तो 50 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए वरीयता क्रम में आप लोग याद रखें, सबसे बड़ा लोकसभा अध्यक्ष होगा, उसके नीचे केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री होगा, उसके नीचे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा, और उसके नीचे राज्यसभा का उपसभापति होता है। नेक्स्ट है 51 नंबर बोल रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, बिहार विधानसभा में 38 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व है, और जो 2 सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट आइए 52 में बोल रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है? तो 52 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 163 के तहत। यहाँ पे बोल रहा है किसके तहत राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, ठीक है, तो अनुच्छेद 163 के तहत। नेक्स्ट है 53 नंबर में, बिहार में कितने जिले हैं? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो है टोटल 38 जिले हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर में, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो 54 का यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे 54 का पहला बोल रहा है कि इसे पहली बार 1952 में गठित किया गया था, ठीक है, तो 54 में यहाँ पे देखिए ये जो है सही है, सबसे पहली बार जो है वो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था, तो पहला जो है वो सही है। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, सही है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का इसको जो है अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है, यानी कि इसमें जो सभी सही हैं तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये 55 में, बिहार राज्य में ग्राम कचहरी का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में, बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो 56 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 75 सीटें, यानी ऊपरी सदन में जो है बिहार में वो 75 सीटें शामिल हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा कि 75 सदस्यों में से जो है वो 63 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्वाचन किया जाता है, जबकि 12 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति, सॉरी एक चीज़ और इसमें नोट कीजिएगा कि उस सदन के जो सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से चुने जाते हैं, और विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी को सभापति और उपसभापति कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 57 में, किस संविधान संशोधन ने केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 69th संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और इसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया। इस संशोधन ने दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में निर्दिष्ट किया, और इस संशोधन ने दिल्ली के लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया। इससे पूर्व दिल्ली में एक महानगरीय परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद होती थी। नेक्स्ट आइए 58 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 153 उल्लेख करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। देखिए संविधान के भाग 6 में एवं अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक देश में राज्यों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। इसमें राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है वो शामिल किया गया है, और राज्यपाल की नियुक्ति, उसके शक्तियों एवं उसके पद से संबंधित सभी तथ्यों की चर्चा अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक की गई है।
जिसमें कि अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट आइए 59 नंबर में, बिहार से नवगठित राज्य झारखंड में कितने जिले स्थानांतरित किया गया था? तो 59 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 जिले जो हैं वो बिहार से ट्रांसफ़र किए गए थे झारखंड को। और 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा बिहार की भूमि क्षेत्र का 45.85% देकर झारखंड राज्य का गठन किया गया, जिसमें कि उस समय 18 जिले झारखंड को दिए गए थे और 37 जिले जो थे वो बिहार में शेष रह गए थे। बाद में जो है झारखंड में 6 और नए जिले बनाए गए, जिससे कि झारखंड में 24 जिले हो गए और बिहार में एक नए जिले बनाए गए अरवल, तब बिहार में अब टोटल 38 जिले हो गए। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, मगध प्रमंडल का मुख्यालय कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, गया में। ठीक है, देखिए मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है और इसमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और नवादा जो है ये शामिल है। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, बोरा बिहार दिवस मनाया जाता है? तो देखिए बिहार दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया था, इसलिए इस दिन को 22 मार्च के दिन को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 62 नंबर में आइए, बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो बिहार में आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू है, याद रखिएगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता के बाद हिंदी को बिहार की राज्यभाषा के रूप में चुना गया, लेकिन वर्ष 1984 में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो इस वजह से यहाँ पे हिंदू और उर्दू दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 में, वर्तमान में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है। ठीक है, याद रखिएगा राजीव कुमार, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि राजीव कुमार ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 64 नंबर में, 64 नंबर बोल रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उम्मीद करते हैं इसमें भी 95% लोग सही होंगे, सही आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यूपीएससी का वरिष्ठतम सदस्य। यूपीएससी का जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा वही जो है यूपीएससी के अध्यक्ष को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाएगा। उसके बाद क्या है कि यूपीएससी के सदस्य को कौन शपथ दिलाएगा? तो यूपीएससी के सदस्य को यूपीएससी का अध्यक्ष जो होता है वो शपथ दिलाता है। नेक्स्ट आइए 65 में, 65 बोरा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी? यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ष 1948 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता को इसको विचार करना था, जिसने इसने नकार दिया। तो एक तो हो जाएगा धर आयोग, ठीक है, इसने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं करने की सिफारिश की। उसके बाद इसके बाद फिर JVP समिति का गठन किया गया 1948 में, दिसंबर 1948 में भी। JVP यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये जो था ये समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने भी राज्य के पुनर्गठन के विचार को भाषाई आधार पर अस्वीकार कर दिया। यानी कि JVP और धर आयोग जो है ये दोनों जो है इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य को पुनर्गठन की सिफारिश नहीं की थी, जबकि फजल अली और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। 66 नंबर में आइए, संविधान के कौन सा भाग अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, NGT वगैरह ये सब होता है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल जो बने गए हैं जो विवादों को जो है वो सुलझाने का प्रयास करता है ट्रिब्यूनल के माध्यम से। ठीक है, तो बोल रहा है कि संविधान का कौन सा भाग अधिकरण के प्रावधानों से संबंधित है, यानी कि ट्रिब्यूनल के प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 14A। ठीक है, भाग 14A याद रखिएगा। और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस भाग को जोड़ा गया है और इसमें केवल दो ही अनुच्छेद है, एक है अनुच्छेद 323A और एक है 323B।
नेक्स्ट आइए 67 में, बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार के प्रावधान से संबंधित है। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 143। संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने का अधिकार देता है। नेक्स्ट आइए 68 नंबर में, बोरा न्यायालय की अवमानना न्यायिक संस्थानों को प्रेरित हमलों एवं अनुचित आलोचना से बचाने का प्रयास करती है। संबंधित कानून न्यायालय की अवमानना अधिनियम लाया गया था, तो यहाँ पे नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में लाया गया था। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं। एक चीज़ और इसमें नोट कर लें कि संविधान के अनुच्छेद 129 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को उसकी अवमानना के लिए दंडित कर सकने की शक्ति प्राप्त है, वहीं पे उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 में न्यायालय की अवमानना के द्वारा किसी को दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। तो पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कितने अनुच्छेद में शक्ति दी गई है कि अवमानना के लिए दंडित कर सके, तो 129 में, और वहीं पे उच्च न्यायालय को 215 में यह शक्ति प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा दोनों अनुच्छेद। नेक्स्ट आइए 69 में, बोला निम्नलिखित में से कौन सा देश सरकार की एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करती है। तो 69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन एकात्मक प्रणाली, बोल रहा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। ठीक है, जापान जो है वो एकात्मक प्रणाली का अनुसरण करती है। देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और स्पेन, ये सभी जो है एकात्मक सरकार का मॉडल प्रयोग करती हैं। वहीं पे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत आदि जैसे सरकार जो हैं उस संघीय स्वरूप को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, बोला निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है, यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। इसको आप लोग नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले आइए बेरुबारी केस जो है, यूनियन वाद 1960, इसमें बोला गया कि इसमें विशेष रूप से कहा गया प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। याद कीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, बेरुबारी यूनियन वाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है केशवानंद भारती वाद 1973 में अपने पूर्व के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया और कहा कि संविधान का प्रस्तावना जो है वो जो है संविधान का मूल संरचना में आता है, यानी कि प्रस्तावना का संविधान का एक मूल भाग है। ठीक है, उसके बाद फिर से अपनी जो केशवानंद भारती में जो निर्णय दिया उसमें फिर भारतीय जीवन बीमा निगम वाद 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में, आंचलिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। यहाँ पे आंचलिक यानी कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि गृह मंत्री हो जाएगा, वहीं पे अंतर्राज्यीय परिषद बोलेगा तो प्रधानमंत्री हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि क्षेत्रीय परिषद यानी कि आंचलिक परिषद एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, क्योंकि इसका जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के रूप में संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया था। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। 73 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत भेदभाव का आधार नहीं है। तो 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, निवास स्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है कि संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो 74 का यहाँ पे आप लोग याद रख लें, 74 का जो है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो एक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये जो है गलत है। संविधान संशोधन विधेयक जो है
वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, यह संशोधन संबंधी विधेयक है कि निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। सही है, निजी और सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम सही है, ऑप्शन डी बोरा। इस संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन डी भी है, यानी सही है, यानी इसमें केवल ए जो है वो गलत है, यानी कि ए ही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, और इस टेस्ट का पार्ट वन का जो है आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो 75 में पूछ रहा है कि विधान परिषद नहीं है, तो वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद यानी कि उच्च सदन है, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ पे उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, बी और डी दोनों में। तो यहाँ पे हमारा 1 से 75 जो है वो पॉलिटी साइंस का क्लियर हो चुका है, दृष्टि बीपीएससी बीपीएससी के लिए, दृष्टि आईएएस का। अब नेक्स्ट जो पार्ट टू आएगा वो जो है 76 से लेके 150 तक होगा। बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं दृष्टि का, मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज चलाए हैं वो सभी आप लोग सभी का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग हर वीडियो का लिंक जो है उसमें डायरेक्ट है, तो आप लोग किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वो आपका पार्ट शुरू हो जाएगा दृष्टि आईएएस का, वो सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जैसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा उसका जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।